अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब हैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको हैरियत आफियत में रखे, अल्लाह पाक सबकी मुश्किलें आसान करे, मेरी दुआएं आपको लगें, आपकी दुआएं मुझे लगें। सो मामी, तो आज हम बनाएंगे गोभी आलू। चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। 3 काट लिए थे प्याज, अगर आपके पास छोटे हैं तो आप 4 ले सकते हैं। हाफ कप डाला है हमने ऑयल का, अगर आपके पास घी है तो आप घी भी डाल सकते हैं। इसमें थोड़ी सी डालेंगे हम कलवंजी, कलवंजी के दाने डालेंगे हम। इंशाल्लाह इस पे कभी हम डिस्कस भी करेंगे, कलवंजी के दानों पे, इसकी फजीलत के बारे में। यहाँ हमने डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच। इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद अच्छे तरीके से इसको हम फ्राई करेंगे, लहसुन को, अदरक को। उसके बाद हमने 4 डाले हैं टमाटर, प्यूरी है तो आप टमाटर प्यूरी भी डाल सकते हैं। यहाँ डाले हैं 4 टमाटर। उसके बाद हम क्या करेंगे, हाफ टीस्पून नमक डाला है, 1 चम्मच डाला है हमने लाल मिर्च, हाफ टी स्पून डाला है हल्दी का। हमेशा मैं कहती हूँ आप नमक अपने हिसाब से डालिएगा। मसालों को अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। यहाँ मैंने डाले हैं 1 किलो आलू, इनको काट लिया था मैंने अच्छे तरीके से, धो के छील के इनको काट लिया था। थोड़ी सी हमने क्या करना है, इस पर हल्दी डालेंगे, इससे आलू का कलर जो है अच्छा आएगा। आलू डालेंगे, आलू डालने के बाद आपने इन पे हल्दी डाल देनी है। यहाँ मैंने डाला है, पीस ली थी मैंने हरी मिर्च, 7 पीस ली थी मिर्च। हरी मिर्च डालने के बाद हमने क्या करना है, गोभी डाल देनी थी उसके ऊपर। 3 से 4 मिर्च हमने हरी मिर्च काट के डाल दी थी। हाफ टी स्पून डाला है हमने ज़ीरा भुना हुआ। अच्छे तरीके से गोभी को मिक्स करेंगे हम। गोभी को मिक्स करने के बाद हमने इसको रख देना है 25 मिनट के लिए हल्की आंच पे, दम पे। और देखें गोभी आलू हमारा तैयार हो चुकी है। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।